इलेक्ट्रिसिटी और पानी का लाइन काट दिया है और बोला गया कि भाग जाओ नहीं तो कैंसिल भेजेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, दो दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका जवाब दिया। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यही शेयर करने वाला हूँ, जिससे पता चलता है कि कतर में रहने वाले लोग अभी कितना मुश्किल से रह रहे हैं, उन लोगों को अभी कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उन्हें किस तरह रूम से निकाला जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। 2020 में कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ में भी हुआ है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों से सवाल ये किया था कि क्या अभी कतर में दोहा से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, दूसरी दूसरी जगह भेजा जा रहा है, और ये कि क्या वर्करों को कतर से बाहर निकाला जा रहा है। तो इस सवाल के जवाब में आप लोगों ने जो कुछ लिखा है वो कुछ इस तरह है। पहले कमेंट में एक भाई ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, दोहा, अजीजिया, मुर्रा, अलवाब, नजमा इत्यादि सारा एरिया खाली कर दिया है भाई, बहुत परेशानी हो रही है, रूम भी नहीं मिल रहा है। मैं 6 दिन से रूम देख रहा हूँ, फ्री वीजा वालों को बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरे कमेंट में लिखा है, 100% सही बात है, वर्कर को दोहा सेंटर से निकाल कर दूसरी जगह भेज रहे हैं। जबकि तीसरे कमेंट में किसी भाई ने कहा है कि ये गलत है, हो सकता है कि आपके एरिया में इस तरह न हुआ हो, या ये कि आप दोहा से बाहर रहते हो। चौथे कमेंट में लिखा है, 100% राइट न्यूज है, मंसूरा, नजमा, मुगलीना और मेन दोहा के आसपास सब जगह से खाली करवाया है, 95% तो खाली कर चुका है, ये सिर्फ बेचलर को खाली करवाया है, फैमिली वालों को नहीं। जबकि पांचवें कमेंट जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है, भाईजान ऐसा हो रहा है, सबको सिनाइया एरिया में रहने को बोला गया है। छठे कमेंट में लिखा है, ये न्यूज़ सही है, आज ही हम लोगों की बिल्डिंग के नीचे बहुत पुलिस और कतरी आया था और बहुत बिल्डिंग कैंसिल कर दिया, इसके नीचे में 100% सही, उसके नीचे ये निकाला जा रहा है। उसके नीचे में एक भाई ने लिखा है, बिल्कुल सही है, मेरे भाई के रूम में लाइट काट दिया है, क्योंकि रूम को खाली करवाने के लिए। नीचे में लिखा है, ये गलत है, हो सकता है कि आपके एरिया में इस तरह न हुआ हो। अगले कमेंट में आप देख सकते हैं, इस भाई ने सलाम और खैरियत के बाद लिखा है, दोहा सिटी से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जहाँ जहाँ भी होटल है वो सब बुक है, वहाँ से वर्करों को निकाला जा रहा है। अगले कमेंट में लिखा है, जब मैच खलास हो जाएगा तो इंशाल्लाह आदमी को वो दोबारा लेकर आएगा, अभी तो सबको खाली कर रहा है, आदमी सुबह ड्यूटी गया, शाम में वापस आया तो उसका लाइन, पानी, बिजली सब काट दिया, इसके लिए आदमी लोग अभी बहुत मुश्किल में है, दोहा सिटी से सबको बाहर निकाल फेंक दिया। अगले कमेंट में लिखा है, घर भेज रहा है कंपनी, हो सकता है कि आपकी कंपनी में काम न हो, काम न होने की वजह से आपकी कंपनी आपको बैठा करके सैलरी नहीं दे सकती है। जबकि अगले कमेंट में लिखा है, मुंतजा, मंसूरा, फरीज अब्दुल अजीज, नजमा, ये सब एरिया में बेचलर का घर का इलेक्ट्रिसिटी और पानी का लाइन काट दिया है और बोला गया कि भाग जाओ नहीं तो कैंसिल भेजेगा, ये काम ठीक नहीं किया सब गरीब लोगों के साथ। दोस्तों, ये थे वो कुछ कमेंट जो कि आप लोगों ने किए थे। इसी तरह के और भी बहुत सारे कमेंट हैं, सारे कमेंट को वीडियो में दिखाना मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि 2020 में मेरे साथ में हुआ था। मैं अलखोर में एक पुराना विला में रहता था। कोरोना के जोर पकड़ने की वजह से उस वक्त बलदिया वाले सारे अलखोर में छापा मार रहे थे, बहुत सारे पुराने विला को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल होने वाले विला में मेरा विला भी था जिसमें मैं रहता था। एक रात बलदिया के 2-4 ऑफिसर विला के बाहर में आए और सब लोगों को बाहर बुलवाया और सबका आईडी अपने सामने में रखा और विला के जो मुदीर थे उनको बोला गया कि एक हफ्ता के अंदर अंदर में इस विला को खाली करवाओ। वहाँ पर जितने भी विला को इस तरह टाइम दिया गया, सबको हफ्ता 10 दिन, किसी को भी 1 महीना या 2 महीना का टाइम नहीं दिया गया। तो हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर में वहाँ पर नया रूम ढूंढना था। कई लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ कि वो लोग नया रूम ढूंढ करके वहाँ पे शिफ्ट हुए और वहाँ भी उस विला को कैंसिल करवा दिया गया। ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बात समझ में आती है कि कहाँ जाएँ, कहाँ जा करके क्या करें। हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाता है। बिजली और पानी कनेक्शन काटने के बाद में वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है अपनी तरफ से एक बात भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताया है, बल्कि ग्राउंड हकीकत बताया है जो आप लोगों ने मेरे साथ में शेयर किया है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।